हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस किचन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हेल्दी एंड टेस्टी फूड की रेसिपी। सो आज मैं पोहा बनाना सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू मेक पोहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 करी लीव्स लिया है, मस्टर्ड सीड्स लिए हैं इसमें जिसे राई हम बोलते हैं, और सॉल्ट लिया है मैंने, हल्दी पाउडर लिया है, 1 अनियन एंड 2 टोमेटोज, और 5 से 6 चिलीज लिए हैं मैंने, ग्रीन चिली, एंड ये चूरा लिया है। चूरा जो आपका होना चाहिए, जो कि ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, मीडियम साइज का चूरा मैंने लिया है। अब मैं इन चूरों को पानी से वॉश कर लूँगा, 2-3 पानी छन्नी में। देखिए मैं अपने चूरों को अब पानी से वॉश कर लूँगा, 2-3 पानी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे नॉर्मल से इस पर पानी गिरा देना, और आपको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको रख देना है ताकि हमारा जो पानी है इसमें से निकल जाए अच्छे से। सी मैंने रख दिया है इसको। अब आपको मैं बताऊंगा इन चिलीज में बीच से कट लगाना है। देखिए कैसे लगाना है, ऐसे सारों को ऐसे कट लगा के और 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है आपको। साइड चिलीज को मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करना है आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने सारे चिलीज को कट कर लिया है। अब मैं इस प्याज को कट करूंगा। कैसे करना है, इसको चॉप नहीं करना है आपको, ऐसे पतले पतले ऐसे कट कर लेना है, ध्यान रखिए। देखिए कैसे करना है आपको। सी फ्रेंड्स, मैंने देखिए कट कर लिया है, आपको ऐसे ही सेम कट करना है, और मिर्च को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, टेस्ट के लिए। तीखा करना है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई कम खाता है। अब मैं अपने टोमेटोज को चॉप करूँगा, कट नहीं करना है, चॉप करना है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट करना है। स्मॉल साइज के मैंने 2 टोमेटो लिया था, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चॉप्ड कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने इसलिए 2 टोमेटोस लिया था, 1 अनियन लिया था, क्योंकि ये जो टोमेटोस का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, इसलिए आपको 1 एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 2 लेने हैं। और एक अब मैं इन करी लीव्स को इसमें से निकाल लूंगा। देखिए कैसे करना, ऐसे निकाल लेना है। पोहे सभी को पसंद होते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पोहे, तो मैं इसलिए आपके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम बना के दिखाएं कैसे मैं बनाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक पैन लिया है जो कि मैंने रख दिया है गैस पर, ये गर्म हो रहा है। आपको हाई फ्लेम पर करके, गर्म हो जाए आपकी कढ़ाई तो मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड फ्रेंड्स, हमारा चूरा देखिए ड्राई हो चुका है, कितना खिला खिला हुआ है। देखिए बहुत लोग का क्या हो जाता है, ज़्यादा बॉटल्स में वो कर देते हैं तो सोख जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगा राई। राई बहुत ही ज़रूरी है इसमें, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। देखिए मैंने ऐड कर दिया। अब मैं करी लीव्स ऐड करूँगा इसमें। आपको गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, और अपने करी लीव्स को अच्छे से इसमें क्रंची होने देना है। क्रंची हो जाएगा फिर मैं इसमें से निकाल लूंगा। फ्रेंड्स देखिए, करी लीव्स क्रंची हो चुका है। अब मैं इसमें से हाफ निकाल लूंगा, एक प्लेट में हाफ करी लीव्स, और हाफ छोड़ देना इसी में। देखिए मैं निकाल ले रहा हूँ इसमें। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड करूंगा ग्रीन एक चिली, अपना जो प्याज था कटा हुआ वो, एंड ग्रीन चिलीज जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, इसको ये ऐड करूंगा इसमें, और थोड़ा सा इसमें से आधा बचा लूंगा जिसको आपको मिक्स करना है। मीडियम फ्लेम होना चाहिए आपको, ध्यान रहे। आपको इन प्याजों को सुनहरा
होने तक भूनना है जब तक ये सुनहरा हो जाए। उसके बाद मैं चॉप किया हुआ टमाटोस ऐड करूंगा इसमें। फ्रेंड्स देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर हो रहा है धीरे धीरे। आपको मैं लास्ट में एक टिप शेयर करूंगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स हमारा अनियन जो है रेडिश ब्राउन कलर हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा टोमेटोस चॉप किए हुए, देखिए इसको आपको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से टोमेटो जो है। आपको सारे टोमेटोस को ऐसे एक पेस्ट की तरह ऐड करना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट ऐड हो जाए, ताकि हम इसमें चूरा जो अपना है मिक्स करें तो अच्छे से उसमें टोमेटो ज्यादा दिखे ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। मैं अब इसमें ऐड करूंगा सॉल्ट टू टेस्ट। अपने हिसाब से आपका मटेरियल कितना है उसके हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करिए, यानी कि चूरा आपका कितना है। देखिए मैंने लिया था, ये ऐड कर दिया। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगा, ये टेस्ट के हिसाब से ऐड करें सभी। अब मैं इसमें ऐड करूंगा चूरा और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स वेल। देखिए अच्छे ढंग से आपको मिक्स करना है, इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। अब मैं इसमें मूंगफली जो है वो ऐड करूंगा। अब मैं इसमें जो कड़ी लीव्स को मैंने, अब मैं इसमें ऐड करूंगा चिली फ्लेक्स और कड़ी पत्ता जो मैंने बचा लिया था, मिक्स करूंगा। अब देखिए कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, यम्मी। इसका कलर भी काफी सुनहरा आया है। आपको 2 मिनट ऐसे इसको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। अब मेरा ये बनके रेडी हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करूंगा। और मैंने आपको बोला था कि टिप्स मैं बताऊंगा एक, तो किसी भी आप रेसिपी को बनाइए तो मीडियम फ्लेम पे, ना ही ज्यादा हाई होना चाहिए ना ही ज्यादा लो होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी चीज है अच्छे ढंग से पक जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है, आप भी घर में ट्राई करिए। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।